देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कौशाम्बी और प्रयागराज दौरे पर जाएंगे। सीएम के आगमन से लेकर संगम भ्रमण तक का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सुबह 11 बजे सीएम योगी कौशाम्बी पहुंचेंगे, फिर महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज जाएंगे जहाँ देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव के स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री कौशाम्बी से प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे जहाँ मुख्यमंत्री माघ मेले के लिए हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। वही संगम नोस पर गंगा जल आचमन भी करेंगे। तकरीबन 2:30 बजे मेला प्राधिकरण कार्यालय में अधिकारियों के साथ सीएम बैठक करेंगे, साथ ही माघ मेला 2024 और महाकुंभ 2025 के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके ठीक बाद 3:30 बजे सूबेदारगंज स्थित प्रस्तावित फ्लाईओवर का निरीक्षण किया जाएगा और एयरपोर्ट रोड का भी सीएम योगी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। अब की बार 400 के पार नए नारे के साथ 2024 की तैयारियों को लेकर बीजेपी की आज लखनऊ में अहम बैठक होने वाली है और उस बैठक के लिए पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है, साथ ही सभी क्षेत्रीय जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है। तो वही इस बैठक की अध्यक्षता भूपेन्द्र सिंह चौधरी करेंगे और उस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिला प्रभारी, सभी मोर्चों के पदाधिकारी शामिल होंगे। ये मीटिंग लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर होगी। लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, तो वही महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरकार ने प्रदेश भर में भगवा माहौल बनाने की तैयारी की है। मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक सभी जिलों में रामकथा, रामचरितमानस और सुंदरकांड के पाठ कराए जाएंगे। तो वही मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को इसके निर्देश दिए हैं। तो वही दूसरी ओर भिखारियों ने भी राम मंदिर के निर्माण में अनूठा योगदान दिया है। भिखारियों के एक बड़े कुनबे ने 4.5 लाख रुपए की धनराशि दी है। तीर्थराज प्रयागराज और काशी के 300 से ज्यादा भिखारियों ने आरएसएस के समर्पण निधि अभियान में हिस्सा लिया। शीतलहर को देखते हुए नगर विकास विभाग की तरफ से प्रदेश में बनाए गए अस्थायी रैन बसेरे राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में निजी संस्था के द्वारा बनाए गए हैं, जहां ट्रेन नुमा रैन बसेरे का निरीक्षण करने पहुंचे नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने केजीएमयू में दाखिल मरीजों और तीमारदारों को कंबल के साथ ही फल बांटे हैं। वही नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि हमारे विभाग ने ठाना है कि प्रदेश का कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोए। किसी भी व्यक्ति को बाहर खुले आसमान में रात न बितानी पड़े, इस बात की हम सब चिंता कर रहे हैं और विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में हमारे नगर विकास विभाग की तरफ से, नगरीय निकायों की तरफ से परमानेंट रैन बसेरे बनाए गए हैं। कुछ जगहों पे जहां आवश्यक होता है, जहां आवश्यकता दिखती है, वहां टेम्पोरी रैन बसेरे भी बनाए जाते हैं। जैसे आज ही परिवर्तन चौक पे लखनऊ के एक टेम्पोरी रैन बसेरा में देख करके आया और उसके साथ जो शैक्षिक संस्थाओं ने, समाज के जागृत लोगों ने, समाज के ऐसे अच्छे लोगों ने जो पहल करके अपने संसाधनों से जो व्यवस्थाएं किया है, उसमें से भी एक आज देखने का मेरा मन हुआ। आज माननीय विशाल सिंह जी ने यहाँ केजीएमयू के प्रांगण में डॉक्टर साहब लोगों के प्रेरणा से, उनके प्रोत्साहन से बहुत ही अच्छा रैन बसेरे की रचना किया है। आप सब ने भी देखा, हमने भी देखा कि 50 लोग बल्कि उससे भी ज्यादा लोगों ने आज यहाँ आश्रय लिया। यूपी में बुधवार को भी घना कोहरा छाया रहा, जहां लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, कानपुर समेत कई शहरों में विजिबिलिटी 15 से 20 मीटर तक सिमट गई और मौसम विभाग ने प्रदेश में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं जनवरी के पहले से यूपी में हल्की बारिश के भी आसार जताए गए हैं और मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान रात के तापमान में प्रदेश में फिलहाल कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। और यूपी में सबसे ठंडा बिजनौर जिले का नजीबाबाद रहा, वहीं यूपी में सबसे गर्म जिला बहराइच रहा और ये 8
अलग अलग जनपदों की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए लगातार हम अपने दर्शकों तक ये पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी गाड़ियां धीरे चलाएं क्योंकि विजिबिलिटी 15 से 20 मीटर तक ही सिमट कर रह गई है। ऐसे में हादसे होने का खतरा बढ़ जाता है और लगातार अब मौसम विभाग की तरफ से धुंध और कम विजिबिलिटी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगली खबर अलीगढ़ से है जहां भाजपा के ट्रिपल तलाक कानून के समर्थन में मुस्लिम समुदाय ने एक बार फिर मोदी सरकार का धन्यवाद किया और 2024 में फिर मोदी सरकार की मांग की है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के द्वारा ट्रिपल तलाक पर लागू किया गया था कानून, जहां कानून को लेकर अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। इतना ही नहीं, इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों और महिलाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार बनाए जाने की मांग की है। हम मोदी जी का शुक्रिया करने आए थे जिला कार्यालय सीएम साहब के पास, ज्ञापन लेकर आए थे। किस चीज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? इस चीज का, ये योजनाएं तो ये लागू की है मोदी जी ने, उस चीज का शुक्रिया करना आए थे, जैसे कि सिलेंडर की है, आयुष्मान कार्ड की है और बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि किसी का भाई किसी को अपना कारोबार स्टार्ट करना है तो कुछ किसी के पास अगर नहीं है पैसा तो उसके लिए भी वो लोन मिलता है। सब सब योजनाओं में से मुस्लिम महिलाओं को कौन सा लाभ मिलता है? तलाक वाली योजना। किस प्रकार से जैसे तलाक दे दी जाती थी तो उसमें ये रहता था कि भाई वो बेघर हो गई, जैसे भाई उसके साथ बच्चे उसके कैसे साथ में जाएंगे या कैसे बच्चों को पालेगी, आगे कैसे फ्यूचर चलेगा उसका, खुद का भी या बच्चों का भी, तो उसमें ये है कि उसमें बच्चों के फ्यूचर के लिए भी यह बल तो तलाक देगा नहीं, क्योंकि उसमें एक कानून ये भी लागू किया गया है, तलाक देगा तो अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा वो देगा। सहमत हैं आप इससे? जी बिल्कुल। राजस्व वसूली में नगर निगम हाउस 1 लाख से ज्यादा बड़े बकायादारों को नोटिस जारी कर रहा है और 1000 से ज्यादा करदाताओं को नोटिस जारी करने के 10 दिन बाद संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू होगी और तालाबंदी में कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें अभी तक 45,000 करदाताओं ने हाउस टैक्स जमा किया है जबकि 2,200 से बकायेदारों की सूची नगर निगम संपत्ति कर विभाग ने तैयार की है, जिन पर 50 करोड़ से ज्यादा का बकाया पड़ा हुआ है, जिसमें कांग्रेस नेता रूही जुबेरी समेत अन्य लोग भी शामिल हैं। और ये बहुत ही अहम मसला है, इस कदर हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया है नगर निगम की तरफ से, जो कि एक चिंताजनक बात है। आम आदमी बहुत परेशान है, से लेके गरीब आदमी उधार लेके लोन लेके किस कदर मुश्किल से अपना मकान बनाता है और जब वो सुनता है कि हमारे ऊपर बढ़ा के इतना हज़ारों टैक्स कर दिया गया है तो बहुत परेशान लोग हैं और इसको फौरन सेटलमेंट करना चाहिए, उनसे बात करके और उनका ये हटाना चाहिए, क्योंकि वो कहाँ से दे लोन, उधर लोन देगा, उधर हाउस टैक्स है और सारे टैक्स अदा करते करते वो बहुत परेशान है। आज आम जनता इस हाउस टैक्स को लेके बहुत परेशान है, नगर निगम से रिक्वेस्ट है कि वो फौरन के फौरन इसको खत्म करें। खबर अलीगढ़ से है जहां चंडौस थाना क्षेत्र के गांव बाहरपुर में अराजक तत्वों ने कोहरे का फायदा उठाकर एक बार फिर गांव के अंदर अंबेडकर पार्क में लगी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किया है, जिससे दलित समाज के लोगों में आक्रोश पनप गया और सैकड़ों की तादाद में दलित समाज के आक्रोशित लोग मौके पर पहुंच गए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई करने में भी जुटी हुई है। अब खबर चित्रकूट से है जहां खंगार क्षत्रिय समाज ने महाराजा खेत सिंह खंगार के जन्मदिवस के मौके पर विशाल जनसभा और शोभा यात्रा का आयोजन किया है और कार्यक्रम के आयोजन झंडा समिति के अध्यक्ष विनोद सिंह खंगार ने किया। इस दौरान जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने खंगार क्षत्रिय समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि चित्रकूट की पावन धरती पर महाराजा खेत सिंह खंगार की प्रतिमा का अनावरण बहुत जल्द किया जाएगा। खबर हमीरपुर से है जहां मेला देखकर ई रिक्शे से वापस घर जा रहे लोगों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी है, जिससे ई रिक्शा में सवार एक नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई है और अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें राहगीरों की मदद से तुरंत सीएचसी मुस्करा लाया गया। वहीं इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मनुरिका ने बताया कि नाबालिग अवनीश की सीएचसी पहुंचते ही मौत हो गई और अन्य 3 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार कर उरई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। मुस्कुरा में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ई रिक्शा और स्कॉर्पियो, बताया जा रहा है कि ई रिक्शा और स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हुआ है, इसमें 2 वयस्क लोग थे और 2 बच्चे हुए हैं, तो चारों को यहाँ सीएचसी मुस्कुरा में लेके आया गया है जिनका प्राथमिक उपचार यहाँ किया जा गया है और 3 लोगों को उरई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है, 1 बच्चा उसमें से मृत घोषित कर दिया गया है।
एक बच्चा है रोहित नाम का, उसका फ्रैक्चर लग रहा है थाई का। बाकी की एक व्यक्ति राम सिंह है, उसको हेड इंजरी आई है, और एक व्यक्ति है वो अपना स्क्रोटल स्वेलिंग बता रहा है। खबर गोंडा से है, जहां डीएम नेहा शर्मा के निर्देशानुसार आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम खैरी, मंशापुरी और रानीपुरवा कोतवाली नगर में दबिश दी है। और दबिश के दौरान कुल 49 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है, साथ ही 800 किलो लहन नष्ट किया गया, जबकि आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कुल 4 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बेखौफ दबंगों ने आपसी रंजिश के चलते कंधई थाना अंतर्गत पाठकपुरवा मोड़ पर घर जा रहे युवक को गोली मार दी है और मौके से फरार हो गए हैं। वही सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, इस दौरान गंभीर रूप से घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने युवक की गंभीर हालत देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। 12/2023 को लगभग दोपहर बाद 3 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति के किसी ने गोली मारी है। मौके पर जाके जांच पड़ताल की गई तो इसमें ये जानकारी में आया कि आदिल पुत्र अनीस, जो जाफरपुर कंदई के रहने वाले हैं, ये अपने दोस्त तारीफ के साथ बाइक से किशनगढ़ से अपने घर जाफरपुर जा रहे थे। रास्ते में 3 लोगों द्वारा, इनका नाम जैसा कि इनके पिताजी ने और इन्होंने खुद बताया है, शहबाज, एजामुल और सुखा, जो कि मंदाह के रहने वाले हैं और एक उसमें से इन्हीं के गांव का रहने वाला है, इन्होंने ही पीछे से गोली मारी है जो कमर के ऊपर लगी है। हालत उनकी स्थिर बनी हुई है और उनको यहां से जिला अस्पताल से प्रयागराज के लिए रेफर किया गया है। तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।